फिया अवार्ड्स 2019 बेल्जियम को सर्वाधिक पुरस्कार, भारत रहा खाली हाथ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने नीदरलैंड्स की एवाडे गोएडे और बेल्जियम की आर्थर वेन ड्रेन को साल 2018 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। भारत की झोली एक बार फिर खाली रही है। इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों को 1998 में शुरू किया गया था और अब तक कोई भी भारतीय हॉकी खिलाड़ी इसे हासिल नहीं कर पाया है। दी गोएडे को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, जबकि विश्व चैंपियन बेल्जियम के वेन ड्रेन को लगातार दूसरे वर्ष साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। बेल्जियम के प्लेयर्स को मिले सर्वाधिक अवार्ड FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स में वेन ड्रेन बेल्जियम के उन चार खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्हें पुरस्कार मिला। बेल्जियन के ही विंसेंट वानाश को लगातार दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया, जबकि उनके हमवतन आर्थर डेस्लोवर को डिफेंस में शानदार प्रदर्शन के लिए साल का उभरता हुआ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। शेन मैकलियॉड को मिला बेस्ट कोच का अवार्ड। बेल्जियम की विश्व कप विजेता टीम के कोच शेन मैकलियॉड साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुने गए। नीदरलैंड्स की मुख्य कोच एलिसन अन्नान को लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ महिला कोच चुना गया। इंग्लैंड की मेडी हिज को लगातार तीसरे साल सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया, जबकि अर्जेंटीना की मिडफील्डर लुसियाना वोन डेढ़ साल की उभरती हुई महिला खिलाड़ी चुनी गई है।